गोरखपुर में शातिर चोर गिरोह का शिकंजा। सियासी रैलियों और रोड शो में करते थे पॉकेट मारी। पीएम और सीएम की रैलियों में लोगों को बनाते थे शिकार। गोरखपुर में पुलिस ने पॉकेटमारी और चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, जिनका चोरी और पॉकेटमारी का तरीका जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन लोगों के निशाने पर सियासी रैलियां और रोड शो हुआ करते थे। ये गिरोह गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, हाथरस, लखनऊ सहित कई शहरों में वारदात कर चुका है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सियासी रैली में पहुंचकर पॉकेटमारी करते हों, बल्कि इनकी पहली पसंद पीएम मोदी और सीएम योगी और गृह मंत्री की रैलियां होती थी। इनके लिए बाकायदा ये लोग रिसर्च करते थे, सोशल मीडिया के जरिए रैली और रोड शो के दिन समय का पता लगाते थे, फिर इन चोरों की टोली वहां पहुंचकर लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर देते थे। एक्चुअली इन लोगों को व्हाट्सएप के या फेसबुक के माध्यम से सूचना मिल जाती थी कि इस तरीके के जो ये आयोजन है होने वाला, और उसी आयोजन को देखते हुए ये लोग 8 से 10 की संख्या में यहाँ लोग आ जाते हैं और फिर भीड़ में अपना ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इस तरह की घटना कारित करते थे। ऐसे गिरोह ने अब तक देश और प्रदेश के कई जिलों में लोगों को अपना शिकार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह में एक बाप बेटे भी शामिल हैं, जो इस ग्रुप के सरगना हैं, जो कि घूम घूम कर भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे जाके लोगों से चैन छीनने का, पर्स चोरी करने का इस तरह के कार्य कृत्य करते थे। इनके द्वारा पूर्व में मथुरा में जो मेले लगते हैं वृंदावन उसमें, प्रयागराज में, या फिर किसी बड़े रैली या जुलूस उसमें भी घूम घूम कर इनके द्वारा इस तरह के कृत्य हैं वो पूर्व में किए गए हैं। इस गैंग द्वारा 29 तारीख को एक रैली या जुलूस शहर से निकला था, उसमें भी जो है वो चैन छीनने की घटनाएं की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर में हुए मुख्यमंत्री के रोड शो में ऐसी गिरोह ने कई लोगों की जेब पर डाका डाला था। इनका शिकार बने कई लोगों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। दरअसल ये लोग भीड़ का फायदा उठाकर रैली में पहुंचे पॉकेट पर्स, चैन जैसी कीमती चीजों पर हाथ साफ करते थे। वारदात के दौरान ग्रुप में कई सदस्य शामिल होते थे। इनमें से अगर कोई पकड़ा जाता तो दूसरे अन्य पुलिस वाले या अधिकारी बनकर वहां पर पहुंचते थे और लोगों से उन्हें पकड़ने के नाम पर छुड़ा ले जाते थे। अगर कोई उनका विरोध करता तो उल्टा ही रौब दिखाते और उन्हें थाने ले जाने की बात करने लगते थे। इनके पास से पुलिस का एक कूटचित आइडेंटिटी कार्ड भी मिला है, जो इनको समय समय पर अगर कोई पुलिस या कर्मी या कोई पूछे तो उसको अपना आइडेंटिटी दिखा के वहां से बच निकलने में उनको मदद करता था। अन्य कूटचित दस्तावेज भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। ऐसी गिरोह में 17 से 18 लोग शामिल हैं। फिलहाल 7 लोगों को पकड़ा जा चुका है, बाकी की तलाश जारी है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिनके पास से विभिन्न शहरों के आधार कार्ड मिले हैं। सभी से पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कुल 7 लोग जो कि बेतिया पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जिनको भी वांछित इस मुकदमे में किया गया है। ये भारतीय न्याय संहिता के नए जो सेक्शंस हैं उसके हिसाब से एक ठगी और चोरी के गैंग के गिरोह के रूप में इन लोगों पर अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा गया है। पकड़े गए लोग बड़े ही शातिराना ढंग से भीड़ का हिस्सा बनते थे और चुनावी रैली या फिर किसी भी भीड़ वाली जगह पर आयोजन के हिसाब से शामिल होकर नारे भी लगाते थे ताकि इन पर किसी का शक न हो। फिर मौका पाते ही लोगों की पॉकेट सोने की चैन जैसी कीमती सामानों पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में टीम बनाकर इस गिरोह की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कवायद तेज की और इस गिरोह का खुलासा हुआ। फिलहाल इस गिरोह के 10 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। JB सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।